अल्टीमेट खो खो सीजन 2 पावर्ड बाय इंडियन ऑयल। पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीम्स तेलुगु योद्धाज और उड़ीसा जगरनॉट्स टकरा रही हैं। तेलुगु तक ओमकार ने एक भी ड्रीम रन लगाया नहीं है और यदि आज इस मैच में ऐसा कर सकते हैं तो चीजें बदलेगी, लेकिन उसी बीच रनिंग एंड टच आया, बाहर जाना पड़ेगा। ओमकार का सजीव है दीपेश और निखिल, दीपेश ने दो ड्रीम रन लगा रखे हैं, निखिल ने एक ड्रीम रन लगा रखा है। इसका मतलब यह है कि क्षमताएं हैं, इन्हें पता है समय मैच पे किस तरीके से बिताया जाता है। साथ ही साथ ड्रीम रन भी आई, निखिल भी अभी भी सजीव थे, ड्रीम रन लगाई और उसके बाद उनको भी टच करके बाहर किया। दो वजीर जो अपनी दिशा बदल के खेल की दशा बदल सकते हैं। जो बैच रोहन, विशाल और गौतम के तहत आया है, इसने 4 अंकों का पिछले मुकाबले के बाद सेंटर लेन पे पांव रख दे, वो कुछ इस तरीके का होता है कि जैसे घर में आप धनिया साफ कर रहे हैं और आपने धनिया की जगह कचरे को रख लिया और धनिया का वो जो यूज करने वाला हिस्सा है उसको है। और वही हुआ, अगर आपका पांव सेंटर लेन को टच नहीं कर रहा, फॉलो थ्रू में बैलेंस बनाना कभी भी आसान नहीं होता। इस टर्न में बल्कि अगली टर्न में भी कोई रिव्यू नहीं है। और घड़ी दोबारा देखिए प्रभु, दाहिनी तरफ बैच टाइम 3 मिनट ये हुआ। रोहल सिंगाड़े उसी बीच शिकार बने हैं और उनको आउट किया कप्तान प्रतीक वायकर ने, टीम के वजीर ने। वजीर ज्यादा पॉइंट्स नहीं निकाल रहे पावर प्ले में, ये समस्या लगातार बनी हुई थी। अभी है चौथा भी आ सकता है सुनील, वो बैच टाइम से काफी पीछे है, पर ये वेरी वेल डन है। आई लाइक